वो बच्चा बार बार गुजारिश करता है कि अंकल प्लीज ये टेडी बियर मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन दुकानदार उसे टेडी बियर नहीं देता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से गुजर कर जाता है और उस बच्चे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस बच्चे के पास आता है और उस दुकानदार को पूरे पैसे देकर उसे टेडी बियर दिला देता है और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम ये टेडी बियर किसके लिए ले रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये टेडी बियर मैं अपनी बहन के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा, तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उस व्यक्ति ने पूछा बेटा हॉस्पिटल क्यों? तो उस बच्चे ने इस बार अपनी नम आवाज में कहा कि अंकल मेरी माँ भी मेरे बहन के पास जा रही है और ये टेडी मैं अपनी माँ को दे दूंगा, मेरी माँ मेरी बहन को दे देगी। अर्थात अगर ऊपर वाले ने आपके माँ और आपकी बहन को सुरक्षित और सही सलामत रखा है तो उनकी कद्र करना सीख लो। वो कहते हैं ना पहले रोजा रखो ना पहले उपवास रखो, सबसे पहले अपने दिल में अपने माँ और अपनी बहन को पास रखो।